श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर ब्रेन एजुकेशन। फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरेंद्र पाल और आज हम सीखेंगे एक्सेल में होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ब्लॉक के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमारे पास कुछ डाटा है और अब पहले तो ये समझ लेते हैं हम इसको सिलेक्ट कैसे कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाटा सेलेक्ट करना है तो आपको क्लिक करना है और ड्रैग कर देना है जहाँ तक आप उसे सिलेक्ट करना चाहते हैं। सपोज़ हमें इस रो को सिलेक्ट करना है तो आप टू पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से ऊपर जो हेडिंग है इन पे क्लिक करेंगे, सी पे कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलन सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप दो तीन सेल को सिलेक्ट करना चाहते हो तो वो इस तरह से सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरी शीट सिलेक्ट हो जाए तो फ्रेंड्स, कॉर्नर में देखिए ये जो निशान आ रहा है एरो का, इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि ये जो ये वाली रो है टू नंबर की, ये यहाँ से हटाना चाहते हैं और राम के नीचे यहाँ पे नाइन नंबर पे लाना चाहते हैं। तो आप फ्रेंड्स, इस रो को सिलेक्ट करने के लिए टू पे क्लिक करेंगे, देखिए पूरी रो सिलेक्ट हो गई है। अगर आप पूरी रो को सिलेक्ट नहीं करना चाहते, सिर्फ इतना ही करना चाहते हैं, तो आप राम पे क्लिक करके ऐसे माउस से ड्रैग कर देंगे तो देखिए इतना सिलेक्ट हो गया है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ से हटाना है और यहाँ पे लाना है तो आपको कट पे क्लिक करना है। कट क्या करता है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स। आप कंट्रोल प्लस एक्स बटन भी दबा सकते हैं या फिर कट पे भी क्लिक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कट हो चुका है और आपको जहाँ पे भी चाहिए वहाँ पे क्लिक करना है और पेस्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, देखिए कट जो हमने किया तो वो वहाँ से हट गया, अपनी लोकेशन से, सोर्स से हट गया और डेस्टिनेशन पर आ गया। यानी कट में क्या होता है, वो मूव हो जाता है, अपनी जगह से हट जाता है और दूसरी जगह आ जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप दोबारा क्लिक करके यहाँ पे आप चाहते हैं कि आप ये जो दो लाइनिंग है या फिर जो ये वाली लाइनिंग है, आप चाहते हो ये यहाँ पे भी रहे और इसके ऊपर भी आ जाए, तो फ्रेंड्स हम इसमें क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी में क्या होता है, वो दोनों जगह रहेगा। हमने क्या करना है, पहले सेलेक्ट कर लेना है जिसको कॉपी करना है, फिर कॉपी बटन पर क्लिक करना है और जहाँ पे आपको चाहिए वो वहाँ पे क्लिक करना है और पेस्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, देखिए ये जो हमने सेलेक्ट किया था ये यहाँ पे भी है, सोर्स पे भी और डेस्टिनेशन पे भी आ गया। यानी कट में तो मूव हो जाता है, अपनी जगह से हट जाता है और कॉपी में दोनों जगह रहता है। फ्रेंड्स, अभी ये सिलेक्शन जो चल रहा है इसका मतलब ये है कि अभी ये कॉपी हो रखा है, आप इसको और भी जगह पेस्ट कर सकते हो। आपको क्लिक करना है और पेस्ट बटन पर क्लिक करना है, देखिए पेस्ट हो रहा है। तो अगर आप ये चीज़ें हटाना चाहते हो, जो सिलेक्शन को हटाना चाहते हो, तो आप एस्केप बटन, कीबोर्ड में एस्केप बटन होता है कॉर्नर में, उसे दबा देंगे तो वो हट जाएगा। तो फ्रेंड्स, कट और कॉपी और पेस्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। आप समझते हैं फॉर्मेट पेंटर, नाम से पता चल रहा है जो हम फॉर्मेटिंग यानी फॉर्मेटिंग को पेंट करने वाला। अब फ्रेंड्स, सपोज हमने इस पूरे कॉलम को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, मैं इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग चेंज कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ ये इस तरह से, यहाँ से मैंने इसका कुछ ऑल बॉर्डर ले लिया तो ये बॉर्डर आ गया, ठीक है। मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया। जो इसमें लिखा हुआ है टेक्स्ट, उसका कलर चेंज करना है। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए कि ये सिलेक्शन हो रखा है, जब ऐसा नहीं है कि आप एक पे क्लिक करोगे तो सारा सब पे सब अप्लाई होगा, नहीं, आपको उतना पहले सिलेक्ट करना है जितने पे जो भी आप वर्क करना चाहते हैं। अभी मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब जो टेक्स्ट है इसका कलर भी चेंज करना है, तो आपको ए के बगल में जो एरो आ रहा है इस पे क्लिक करना है और जो भी कलर लेंगे वो वैसा कलर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने ये ले लिया। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ हो गया है, ठीक है। अब हम चाहते हैं इसे थोड़ा सा डार्क करना, तो डार्क करने के लिए बी पे क्लिक कर देंगे तो ये डार्क हो गया। इटैलिक करना है तो इटैलिक हो जाएगा, अंडरलाइन भी चाहिए तो अंडरलाइन भी आ जाएगी। फ्रेंड्स, अब हम चाहते हैं जो जैसी फॉर्मेटिंग ये है वैसी ये भी हो जाए, तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें वो सारे वर्क करने पड़ेंगे जो इसमें किए, तो ऐसे तो टाइम वेस्ट होगा, तो उस चीज़ से बचने के लिए फॉर्मेट पेंटर का यूज़ होता है। अब फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसमें आपको कहीं पे भी क्लिक कर लेना है, अगर आपको ये वाली फॉर्मेटिंग इसमें चाहिए तो इसमें कहीं पे भी क्लिक कर लेना है इस फॉर्मेटिंग में और आपको फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना है। तो ये फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, वो फॉर्मेटिंग उठा लेता है जो आपने यहाँ पर लगाई है और जितना आप सेलेक्ट करोगे उसे उसमें बदल देगा। ये देखिए बदल दिया, ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, उसने फॉर्मेटिंग उठा ली। अब इसको भी चेंज करना है तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं,
समझ में आया। अब फ्रेंड्स अगर ये सारी फॉर्मेटिंग हटानी है, हम चाहते हैं पहले जैसी हो जाए शीट, तो आपको क्या करना है, सारा सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जाना है इरेजर पर और क्लियर फॉर्मेट कर देना है। तो फ्रेंड्स आपकी शीट पहले जैसी हो जाएगी, सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।